वेलकम टू आवर ऑनलाइन पोर्टल कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर। कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर में आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ गोइंग टू बी करंट अफेयर सीरीज फॉर 24 मई। यह 24 मई के करंट अफेयर की सीरीज है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से, पहले जो करंट अफेयर का टॉपिक है उससे शुरुआत करते हैं। जो पहला टॉपिक है NMMS ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप को लॉन्च किया गया। देखिए NMMS ऐप है क्या, ठीक है ना। तो ये जो ऐप है इस ऐप को बोलते हैं नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, या नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप। और दूसरा है एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप, है ना। तो इसको जो लॉन्च किया आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। ये ग्रामीण विकास के केंद्रीय मंत्री हैं, सेंट्रल मिनिस्टर है। 22 मई 2021 को इन्होंने लॉन्च किया। तो जो आपका जो ये NMMS ऐप है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है, ये बेसिकली किस लिए है, क्योंकि जो हमारे जो मजदूर हैं जो मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, ठीक है ना। तो इसमें जो जो मजदूर इस योजना के तहत कार्य कर रहे हैं उन मजदूरों को जो वास्तविक समय पर उनकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, और इस जो उपस्थिति इनकी रियल है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई मजदूर काम कर रहा है, तो वो मजदूर वाकई अपने खेत में काम कर रहा है या वाकई मनरेगा के तहत काम कर रहा है या नहीं, या वैसे ही बिना काम किए ही मनरेगा का पैसा उठा रहा है। बहुत सारे ये समस्याएं देखने को आती हैं कि कुछ लोग तो जो नीडी होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, उनको मनरेगा का पैसा ना मिलके जो लोग रिसोर्सफुल होते हैं, मतलब कि जो जिनका लिंक अच्छा होता है, वो मनरेगा का पैसा उठाते हैं, जो ज़रूरतमंद को नहीं मिलता है। तो सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होगा कि जो भी मजदूर होंगे उन मजदूर कि मजदूर का फ़ोटो खींचना होगा, और वो फ़ोटो जियो टैगिंग के साथ स्टोर पे जिस एरिया का जो क्या बोलते हैं एरिया का जो रिलेवेंट ऑफिसर होगा उस ऑफिसर के मोबाइल पे जाएगा, है ना। तो जियो टैगिंग का मतलब क्या होता है कि जहाँ से फ़ोटो खींचेंगे ना उस फ़ोटो का आपका जियो लोकेशन होगा, मतलब कि मोबाइल लोकेशन होगा, है ना। तो उस मोबाइल लोकेशन से वो अफसर जान जाएगा कि ये फ़ोटो कहाँ से खींचा गया, किस जगह से खींचा गया है, जहाँ पे काम लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वहीं से खींचा गया है या कहीं और से किसी और खेत से खींच के भेज रहा है ये। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है जिससे जो भी करप्शन होते हैं क्या बोलते हैं गवर्नेंस एंड पे या पब्लिक एंड पे, वो ख़त्म किया जा सकेगा, है ना। और जो दूसरा ये आपका ऐप है एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप, तो एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप में क्या दिया गया है कि इसमें जो NMMS ऐप में जो रिकॉर्ड भेजा जाएगा उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया। ये बेसिकली उन ऑफिसर्स के लिए है, ठीक, जो ऑफिसर्स उस डेटा की जो मान लीजिए डेटा मजदूर भेज रहा है, मजदूर के द्वारा भेजा गया है, ठीक है ना, या मजदूर जिसके अंडर में काम कर रहा है, जिस ठेकेदार के अंदर में, उस ठेकेदार ने उस मजदूर का डेटा ये अफसर के पोर्टल पे लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल के तहत इन ऑफिसर्स को ये डेटा मेंटेन करने में या डेटा की जियो टैगिंग चेक करने में मदद मिलेगी, है ना। ये ऐप ऑफिसर्स के लिए है, NMMS ऐप मजदूरों के लिए है, ठीक। ये आप इसमें देख सकते हैं ग्रामीण विकास द्वारा शुरू की गई सभी योजनाएं, ठीक ना, ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाएं शुरू की गई हैं उसमें टाइम स्टैम्प जियो टैगिंग की तस्वीर को रिकॉर्ड करने में मदद मिलेगी। मतलब टाइम स्टैम्प का मतलब ये होता है कि जो मजदूर फोटो खींचेगा उस मजदूर का जियो लोकेशन, ठीक है ना, और वो टाइम दोनों उस अफसर के पास चला जाएगा, दोनों अफसर वहाँ से जान जाएगा कि हाँ ये 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 किस समय पे और किस लोकेशन से खींचा गया है, ठीक है ना। इसके मतलब कोई धोखाधड़ी इससे नहीं कर पाएगा। जियो लोकेशन जानते होंगे, जो आपने कभी मोबाइल में गूगल लोकेशन आपने डाला होगा, या फिर आपका जीमेल जो कहीं आने जाने के लिए आप एक लोकेशन डाल देते हैं, उस लोकेशन के हिसाब से जो मॉनिटर करता है आपको, तो उसी को हम जियो लोकेशन कहते हैं, है ना। लोकेशन से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये ऑटोमेटिकली आपका उस फोटो के साथ अटैच्ड हो जाएगा, टाइम किस समय पर लिया गया है एंड वो लोकेशंस, है ना। तो ये ऑफिसर्स के लिए है, और जो NMMS ऐप था वो मजदूरों के लिए है।
आइए देख लेते हैं दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है, मोरक्को और स्पेन के बीच प्रवासी संकट जारी हो गया। क्या है कि हमारे मोरक्को से अचानक ही 8,000 लोग तैरते हुए स्पेन की तरफ पहुंच गए हैं। स्पेन, आइए पहले देख लेते हैं मैप में, देख लेते हैं मोरक्को स्पेन का लोकेशन क्या है। तो ये देखिए हमारा जो स्पेन है, हमारा स्पेन जो टेरिटरी है वो यूरोप की है टेरिटरी, और जो मोरक्को है वो हमारी अफ्रीका में है। ये रहा मोरक्को और ये रहा हमारा स्पेन। तो आइए हम फिर मैप को बड़ा करते हैं। देखिए ये रहा हमारा मोरक्को और ये रहा स्पेन। कुछ लोग क्या हुआ, मोरक्को से तैरते हुए यहाँ स्पेन की तरफ चले गए एज ए रिफ्यूजी, है ना, इलीगली चले गए। तो इसके रिस्पॉन्स में क्या किया स्पेन ने, बख्तरबंद गाड़ियाँ तैनात कर दी जिससे इन रिफ्यूजीज को भगाया जा सके। देखिए इन मोरक्को और स्पेन में रिफ्यूजी का आना जाना रहता था। अक्सर मोरक्को से कुछ रिफ्यूजी स्पेन में जाते थे, लेकिन ये अचानक ज़्यादा इसलिए बढ़ गया क्योंकि मोरक्को ने एक तरह से बदला लेने के मनसा से ये किया, बदला लेने के मनोवृत्ति से ये किया है ना। तो ये देखिए डिटेलिंग इसकी देख लेते हैं। मोरक्को से स्पेन में प्रवासियों की आमद एक आम घटना है, ठीक है ना। मोरक्को से स्पेन में एक आम घटना है प्रवासियों के जाना, लेकिन इस प्रवासियों की संख्या आमतौर पर कम होती है। इस बार इस संख्या में भारी वृद्धि हुई, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हर साल 10 लोग चले गए, 100 लोग चले गए, लेकिन अचानक 8,000 लोग पहुंच जा रहे हैं, तो ये कोई ना कोई इसका कारण होगा। ठीक, इसके जवाब में स्पेन ने प्रवासियों को घेरने के लिए उन्हें सीमा द्वार के माध्यम से मोरक्को वापस भेजने के लिए सीमा पर सैनिकों और बख्तरबंद वाहनों को तैनात किया है ना। तो अभी मैंने ये आपको बताया है, ये ऐसा कहा जा रहा है कि स्पेन ने कोई ऐसा एक आतंकी संगठन है जिसको मोरक्को ने बैन कर रखा है, तो स्पेन ने क्या किया है, उसी आतंकी संगठन के मुखिया का इलाज अपने यहाँ करवा दिया है ना, हॉस्पिटल में उसको इलाज प्रोवाइड करा दिया। तो उसी के रिटेलिएशन में, रिटेलिएशन का मतलब उसी के गुस्से से मोरक्को ने ये कदम उठाया है ना। मोरक्को ने अपने अपने यहाँ की जो सीमा थी वो खोल दी, लोग स्पेन भाग भाग के जाने लगे। नहीं, तो अभी आपने मैप देख लिया, सारा देख लिया। तो आइए अगला देखते हैं। हरियाणा ने लॉन्च किया संजीवनी परियोजना। देखिए हरियाणा ने संजीवनी परियोजना लॉन्च की है। ये क्या है कि जो ग्रामीण इलाकों में जो कोविड के पेशेंट्स हैं, उन कोविड के पेशेंट्स के लिए लॉन्च की गई है। उन कोविड के पेशेंट को ट्रैक किया जाएगा, उनको जानकारी दी जाएगी। जनरली आपने देखा होगा कि कोरोना में, कोविड-19 की जो बीमारी है उसकी जानकारी हमें ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। गांववासी इससे अभी जो सेकेंड वेव आई है, सेकेंड वेव से ज़्यादा प्रभावित हैं। क्यों प्रभावित हैं? क्योंकि उनके पास इनकी जानकारी नहीं है। ग्रामीणों को लगता है कि ये नॉर्मल बुखार है या नॉर्मल सर्दी खांसी, जो भी लक्षण आते हैं कोविड में, उसको मान के चलते हैं, जिससे ये जो वायरस है, वायरस ये 3 से 4 दिन में जो जिन लोगों को पकड़ा है वो गंभीर हो जा रहे हैं और उनकी मृत्यु भी हो जा रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा ने संजीवनी परियोजना लॉन्च की है। उस परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी डॉक्टर्स होंगे या जो मेडिकल स्टाफ होंगे वो जाएंगे और लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे और ट्रैक करेंगे। जिनको भी बीमारी ट्रैक करेंगे उनको मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये हरियाणा में लॉन्च हुआ, ये याद रखिएगा, ये ऐसे ही लिख लीजिएगा, हरियाणा में लॉन्च की जाएगी संजीवनी परियोजना, और उसके आगे लिख लीजिएगा फॉर कोविड-19 ना। तो आइए अगला देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की। देखिए वात्सल्य का मतलब मातृत्व से होता है, ठीक है ना। कोविड के नाते जो हमारे बच्चे अपने पूरे परिवार को खो दिए हैं, बच्चे मतलब मान लीजिए एक घर में 2 बच्चे हैं और 2 पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स मतलब मदर मदर फादर। तो यदि मदर फादर की मृत्यु हो गई है कोविड के नाते, तो उनके देख रेख के लिए कोई है नहीं। तो इसी उत्तराखंड सरकार ने वात्सल्य योजना लॉन्च की है। वात्सल्य योजना के तहत 21 साल तक के जो मतलब बच्चे जब तक 21 साल तक नहीं हो जाएंगे, तब तक सारा खर्चा और व्यवस्था बच्चों के रहने सहने का सरकार करेगी, गवर्नमेंट करेगी। और उसमें ये भी दिया गया है कि 21 साल तक जो भी उन बच्चों के नाम प्रॉपर्टी या बच्चों के मदर फादर के नाम प्रॉपर्टी थी, वो कोई दूसरा उनके घर का मेंबर नहीं बेच पाएगा। जैसे मान लीजिए घर में बच्चों के मदर फादर हैं और अंकल हैं, तो क्या हुआ कि मान लीजिए मदर फादर एक्सपायर कर गए, तो बच्चों के अंकल ने उनकी प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए, तो वो नहीं बेच पाएंगे उनकी प्रॉपर्टी, है ना। तो इसमें ये बहुत अच्छी एक योजना लॉन्च की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो इसको वात्सल्य योजना कहा गया है ना, वो बच्चों के लिए लॉन्च हुआ है, याद रखिएगा।
देखिए आज मैं थोड़ा स्पीड मेरी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि आप ही की तरफ से एक क्वेरीज आई थी कि सर आप बहुत डिटेल में चले जाते हैं जो भी करंट अफेयर पढ़ाते हैं, और डिटेल में जाने की वजह से आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो देखिए वीडियो में पढ़ाना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है क्योंकि पहले कंटेंट तैयार करो, कंटेंट तैयार करने के बाद से फिर उसे टाइपिंग करना, टाइपिंग करने के बाद से फिर वन वे कम्युनिकेशन होता है। तो वन वे कम्युनिकेशन में हमें ये लगता है कि हम छोटी से छोटी चीज़ें बताएँ, एक से एक चीज़ें बताएँ जिससे आपके मन में कोई क्वेरी ना हो, क्योंकि आपकी तो भाई आदत ही है क्योंकि आप कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछते नहीं है, नाइस सर, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा वीडियो सर, गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद सर, यही आपका कमेंट आता है। कोई वीडियो ध्यान से देखता नहीं है कि किसी को डाउट आएगा, यदि डाउट आता तो भाई कमेंट में जय हिंद गुड मॉर्निंग के सिवा डाउट पूछा जाता। कुछ एक लड़के ने, एक आध लड़कों ने बस पूछा है डाउट, तो वो जेन्युइन डाउट था, बल्कि जो भी मैंने कमेंट देखा है कमेंट में यही आता है, तो फ़ायदा है नहीं। तो इसीलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट बताया जाए। लेकिन आप ही की तरफ से एक और क्वेरी आ रही है कि सर वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट बताना थोड़ा सा कम कर दिया, थोड़ी स्पीड मेरी ज़्यादा रहेगी। यदि आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो को स्लो करके देखिएगा ना। तो आइए देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, और उत्तराखंड का मैप हमारा ये रहा, हमारा ये हमारे नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न जोन में आता है उत्तराखंड। इसे बड़ा मैप करते हैं, बड़ा मैप करके देखते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा उत्तराखंड जिसकी राजधानी देहरादून है ना। तो उत्तराखंड हमारा किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है? उत्तराखंड हमारा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दो दो हिमाचल प्रदेश और आपका हरियाणा और आपका उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है, मतलब तीन राज्यों से करता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री में चाइना और नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है ना। तो आइए देख लेते हैं उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य हैं, ये बेबी रानी मौर्य का इमेज है, और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत हैं। तो आइए अगला देखते हैं, नरेंद्र बत्रा फिर चुने गए FIH के अध्यक्ष। देखो FIH जो है वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को कहते हैं। आप कहेंगे कि सर ये तो IHF होना चाहिए, नहीं देखो ये जो FIH है, ये FIH हम इसको फ्रेंच नेम जब इसका लेते हैं तो फ्रेंच में कहा जाता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, डे हॉकी, ये फ्रेंच नेम है, तो ये फ्रेंच का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है, ठीक है ना। हम यहाँ IHF भी लिख सकते हैं लेकिन इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड है वो FIH है, FIS लिखते ही समझ जाएंगे। तो ये जो नरेंद्र बत्रा हैं, अभी चुनाव हुआ है इसके अध्यक्ष का, FIH के अध्यक्ष का 47वीं कांग्रेस के दौरान, कांग्रेस मतलब होती है बैठक, इनकी जो कमेटी होती है, जो इनकी एक एक मतलब मीटिंग स्थल होगा, तो उसी को हम कांग्रेस कहते हैं। इसकी कांग्रेस में इनके अध्यक्ष का चुनाव हुआ जिसमें इन्होंने बेल्जियम के मार्क कार्ड्रॉन को केवल 2 वोट से हराया है, ठीक, और इसके हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बन गए हैं, ये भारतीय मूल के हैं। चलिए 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है हर साल। देखिए इसके डिटेल में देखते हैं, हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसका उद्देश्य कछुआ और दुनिया भर के उनके तेजी से गायब होते आवास की रक्षा करना है। मतलब जो कछुआ का हैबिटेट है, हैबिटेट का मतलब होता है आवास, और जो कछुओं की इलीगल इलीगल जो क्या बोलते हैं, इलीगल जो ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग तो दूसरा शब्द हो गया, इलीगल जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इनको बेचा जाता है उसको रोकने के लिए, और क्या है कि जो हमारे कुछ एक्टिविटीज़ के नाते जो ये कछुओं को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को रोकने के लिए हमने 23 मई को इंटरनेशनल कछुआ दिवस मनाया है, ठीक है ना, मनाना स्टार्ट किया गया, वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को, ये इंपॉर्टेंट है, आप रख लीजिएगा। ये कब से मनाया जाता है? तो सन 2000 में अमेरिकन टोर्टॉइस रेस्क्यू के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तभी से ये मनाया जाता है। तब से दिवस दुनिया के सबसे पुराने जीवित सरीसृपों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल मनाया जाता है। मतलब कछुआ सबसे पुराना सरीसृप है ना, इसी को प्रोटेक्शन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए ये दिवस को मनाया जाता है। क्या होता है कि कछुओं का जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इलीगल सेलिंग की जाती है, और क्या है कि हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के नाते कछुओं का जो हैबिटेट है, जो उनका निवास है, वो नुकसान हो गया, तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, तो उन्हीं को बचाने के लिए ये योजना, ये मतलब डे मनाया जाता है।
तो आइए देख लेते हैं अगला है। आईएमएफ ने 50 बिलियन डॉलर की वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव रखा। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन्होंने 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव रखा है। इसमें प्रस्ताव में ये रखा है कि 2021 के अंत तक हमारे पूरे दुनिया की 40% आबादी को टीका लग जाएगा और 2022 के छमाही तक 60% आबादी को टीका लग जाएगा, है ना। ये आईएमएफ के द्वारा रखा गया है ये जो टीकाकरण का प्रस्ताव है। अभी ये प्रस्ताव पता नहीं ये उसमें आएगा कि नहीं, एग्जीक्यूशन होगा कि नहीं इसका, लेकिन अभी ये प्रस्ताव है, बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है, ये स्वागत योग्य है कि पूरी दुनिया के बारे में आईएमएफ ने एक ऐसा प्रस्ताव लाया है जो कि 50 बिलियन डॉलर का है ना। तो इसी के साथ आज की सीरीज खत्म होती है। आज की सीरीज काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प थी। आप यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। इसी के साथ धन्यवाद।